So now I come to D, deprive. Like the honorable member has deprived his wife. The slogan of जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे backfired. I would rather say प्रभु राम आए तो न्याय आया. और कुर्सी का पीटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है. उन्होंने मिनियन शब्द का इस्तेमाल करा जो आपत्तिजनक है. इन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी करी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पर. चलो भाई. दोस्तों, विपक्ष के एक नेता के स्पीच से सारे भाजपा वाले सांसद में बावले होते हुए दिखने लगते हैं. कैसे, आप ये पूरी वीडियो देखिए, समझ जाएंगे. So now I come to D, deprive. Like the honorable member has deprived his wife. So D for deprive. The slogan of जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे backfired. I would rather say प्रभु राम आए तो न्याय आया. कुछ वक्त जरूर लगा लेकिन इंसाफ आया. BJP not only faced a humiliating defeat from the Ayodhya seat, but it also lost Badrinath in the last by-election. That takes me back from where I started. Waqt badal gaya hai. It is unfortunate that the union government is investing for Modi ji's political survival at the expense of nation's well-being. Truth is, the honorable prime minister is on borrowed time. You all are on borrowed time, mark my words. Yes. And I would like to end by saying thoda sabr rakhiye aur kursi ka peeti bandh lijiye, mausam bigadne wala hai. हाँ जी, तो ममता बनर्जी का भतीजा अभिषेक बनर्जी ने अपने एक भाषण में संसद में भाजपा के लिए बर्नौल मोमेंट बना दिया. जैसे ही डिप्राइव का डेफिनेशन बताया कि पत्नी छोड़ दिया तो सारे भाजपा वाले बावले होकर चिल्लाने लगे. और हम राम को लाए हैं पर भी मजे लेते हुए अभिषेक बनर्जी ने भाजपा और मोदी की धज्जियां उड़ा दी. और लास्ट वाला तो कमाल का था कि थोड़ा सब्र रखिए और कुर्सी का पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है. जिसके बाद भाजपा के कई नेताओं के बिगड़े तेवर देखने को मिले. इनमें से सबसे ज्यादा तेवर बिगड़े हुए बांसुरी स्वराज का दिखा. कैसे, देखिए. एक नहीं बल्कि तीन बार अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल करा है. 2021 की आप ही की रूलिंग है. बिट्रेड शब्द और बिट्रेड अनपार्लियामेंट्री कैटेगरी में आता है, वो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते. इसके अलावा उन्होंने मिनियन शब्द का इस्तेमाल करा जो आपत्तिजनक है. इन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी करी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पर और इसेंट्रिक शब्द का इस्तेमाल करा. तो जी, अब इसे अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स याद आ गए. और जब इनके खुद के नेता इस तरह के भाषा का इस्तेमाल आए दिन कर रहे होते हैं तो इनकी बोलती बंद रहती है. तो ऐसे तो नहीं चलेगा मैडम. बताइए, अभिषेक बनर्जी पर ये उखड़ रही है कि उसने पत्नी छोड़ दिया क्यों कहा. तो भाई, नाम लेकर तो उन्होंने नहीं कहा, और कहा भी तो क्या गलत कहा, और इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है. खैर, इन्हें चीखना चिल्लाना है तो कोई तो बहाना चाहिए. तो हर एक छोटी छोटी बातों पर ये बहाना निकाल करके इसी तरह से चीखने चिल्लाने का काम हमेशा की तरह कर रहे हैं. मेरा आपसे निवेदन है कि इन दोनों के लिए, इनको तीनों बातों के लिए इनको माफी मांगनी चाहिए और रिकॉर्ड से ये तीनों शब्द एक्सपंज होने चाहिए. मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं.